इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। जापान के पीएम किशिदा के कार्यक्रम में धमाके की खबर सामने आई, जहां किशिदा के भाषण के दौरान एक धमाका हुआ। हालांकि देखिए, पीएम किशिदा को सुरक्षित बाहर निकाला गया, वहां से विस्फोट करने वाले शख्स को हिरासत में भी ले लिया गया है। वाकायाम प्रांत में उपचुनाव अभियान में भाषण के दौरान ही विस्फोट हुआ। जानकारी दें, विस्फोट में किसी के हताहत होने की अभी कोई खबर नहीं आई है। गत वर्ष चुनावी भाषण के दौरान हुई थी पूर्व राष्ट्रपति शिंजो आबे की हत्या, और ऐसे के अंदर इस पूरे मामले को, इस पूरे प्रकरण को, इस धमाके को नाकाम साजिश समझा जा सकता है। और जिस तरह से देखिए, इस पूरी घटना के बाद में एक युवक को हिरासत में लिया गया है, ऐसे में पूछताछ जब उस युवक से की जाएगी कि आखिर किसने उसे भेजा, क्या कुछ मंशा थी उसकी, तमाम ऐसे सवालों के जवाब अब उस युवक से खंगाले जाएंगे। और अब देखिए, प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पे आ चुका है इस पूरी घटना के बाद में, क्योंकि देखिए, इससे पहले भी देखा गया था जब शिंजो आबे की मौत हो गई थी ऐसे ही विस्फोट के दौरान, और ऐसे में जब एक बार फिर से विस्फोट की खबर सामने आई तो हड़कंप मौके पर मचा हुआ है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। हालांकि एक युवक को हिरासत में लिया गया है, अब उसी युवक से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इससे देखिए, इस पूरी घटना को, इस धमाके के मामले को एक नाकाम साजिश समझा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी आपको लगातार बता रहे हैं कि घटना सामने आई थी जिसमें भी भाषण के दौरान ही इसी तरह का ब्लास्ट किया गया था, और उस समय पूर्व राष्ट्रपति शिंजो आबे की हत्या की गई थी। और ऐसे में जब एक बार फिर से ब्लास्ट हुआ है, हालांकि देखिए, अच्छी खबर यह है कि इस ब्लास्ट के दौरान किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रधानमंत्री को भी वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, पर अब देखिए, सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है। एक बड़ी अनहोनी की दस्तक भी इसको समझा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से भाषण के दौरान ये विस्फोट का पूरा मामला सामने, और ये दो तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, पहली पीएम किशिदा की और दूसरी शिंजो आबे की, और दोनों ही तस्वीर में ब्लास्ट हुआ था। हालांकि पहली तस्वीर के अंदर अच्छी बात यह है कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं आई है, एक व्यक्ति को हिरासत में लिया जा चुका है। तो वहीं दूसरी तस्वीर है 9 जुलाई 2022 की, जब इसी तरह से ब्लास्ट हुआ था और भाषण के दौरान विस्फोट हुआ और हत्या की गई थी। और देखिए, उस वक्त पूर्व राष्ट्रपति शिंजो आबे की हत्या हुई थी, इसी तरह से ब्लास्ट की घटना सामने आई थी। तो वहीं अब एक बार फिर से पीएम किशिदा के भाषण के दौरान फिर से ब्लास्ट की खबर सामने आई। एक बड़ा ब्लास्ट हुआ जिनसे मौके पर अफरा तफरी मच गई, मौके पर हड़कंप मच गया। और देखिए, युवक को हिरासत में लिया जा चुका है और अब लगातार जांच एजेंसियां जांच कर रही है। एक नाकाम साजिश इस पूरी घटना को समझा जा सकता है, या फिर कहें किसी बड़ी अनहोनी की एक दस्तक इसको समझे, क्योंकि हालांकि देखिए, बाल बाल बचे हैं पीएम किशिदा, और ऐसे में सुरक्षित उनको वहां से ले जाया जा चुका है।